तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग का क्या रहने वाला है रिटेन को लेकर स्ट्रेटजी, इसी के बारे में पूरे डिटेल्स हम बात करेंगे। कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन करेगी, कौन कौन से खिलाड़ी के लिए RTM कार्ड यूज करेगी, पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम IPL से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग के बारे में, तो दोस्तों एक कमाल की टीम है चेन्नई सुपर किंग, IPL के सबसे सफल टीमों में से एक है चेन्नई सुपर किंग। ऐसे में कई बड़े बड़े खिलाड़ी को रिटेन करेगी और सभी का नज़र भी है कि चेन्नई सुपर किंग कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन कर दी। इसमें कई बड़े नाम भी है जिसे रिटेन करने वाली है और RTM कार्ड यूज करने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम रिटेन को लेकर जो पॉलिसी है उसके बारे में बात करते हैं। BCCI की तरफ से ऑफिशियली जारी हो चुका है, मैक्सिमम सभी टीमें 5 खिलाड़ी को रिटेन कर सकती है और एक RTM कार्ड यूज कर सकती है मेगा ऑक्शन में। तो मेगा ऑक्शन में RTM कार्ड यूज करेगी, लेकिन इससे पहले रिटेन खिलाड़ी की लिस्ट भी आने वाला है। तो अब बात करें सबसे पहले कौन कौन से खिलाड़ी को रिटेन करेगी चेन्नई सुपर किंग, तो इसमें बड़े बड़े नाम है। सबसे बड़ा नाम है कप्तान ऋतुराज गायकवाड का है। ऋतुराज गायकवाड बैक होने वाले हैं फिर से चेन्नई सुपर किंग के लिए। बता दें कि ऋतुराज गायकवाड कप्तान है और कंटिन्यू रहना चाहती है चेन्नई सुपर किंग की टीम ऋतुराज गायकवाड के साथ, और इसी वजह से इन्हें बैक करेगी। और बता दें कि ऋतुराज गायकवाड का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट को इनसे और भी उम्मीद होगा IPL 2025 में। फिर अगले खिलाड़ी का बात करें तो दोस्तों वह है अनकैप MS धोनी। जी हां दोस्तों, अनकैप खिलाड़ी है अब MS धोनी, और इन्हें भी रिटेन करेगी चेन्नई सुपर किंग। एक नया पॉलिसी आया है, इसके हिसाब से अगर 4-5 साल रिटायरमेंट लिए हो चुका है नेशनल टीम से तो आप आराम से अनकैप प्लेयर बन सकते हैं, और इसी वजह से MS धोनी अब अनकैप प्लेयर के तौर पर खेलेंगे चेन्नई सुपर किंग के लिए। वैसे काम सेम करेंगे, इससे कोई डिफरेंट नहीं आने वाला है MS धोनी का परफॉर्मेंस में, आखिरी में छक्के और चौकों का बरसात कर देंगे। फिर अगले खिलाड़ी का बात जिसे बैक करने वाली है चेन्नई सुपर किंग, वह है रविंद्र जडेजा। जी हाँ दोस्तों, 3D प्लेयर है जो कि बैटिंग बॉलिंग तो करेंगे ही करेंगे और शानदार फील्डर भी है रविंद्र जडेजा। भले ही थोड़ा एज हो चुका है लेकिन अभी भी इनके क्रिकेट बाकी है, और स्पेशली डोमेस्टिक क्रिकेट में तो अच्छा परफॉर्मेंस कर ही सकते हैं, तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग उन्हें बैक करने वाली है। फिर अगले खिलाड़ी की बात करें तो वह है शिवम दुबे। जी हाँ दोस्तों, एक नया उभरता हुआ चेहरा है चेन्नई सुपर किंग के लिए और बेहद ही ज़्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं हम देख चुके हैं। कुछ मुकाबले में फेल किए थे लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं तो चेन्नई सुपर किंग को एक तरफा जिताते हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि शिवम दुबे को भी बैक करेगी चेन्नई सुपर किंग IPL 2025 के लिए। फिर अगला खिलाड़ी, पांचवा खिलाड़ी है, वह महिषा फथिराना है। बेबी मलिंगा के नाम से जाना जाता है महिषा फथिराना का। जिस प्रकार कमाल का परफॉर्मेंस किया है बेहद ही कम एज में महिषा फथिराना का, तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली है चेन्नई सुपर किंग। तो दोस्तों यह 5 खिलाड़ी जिन्हें रिटेन करेगी। तो अब बात करें RTM कार्ड किस खिलाड़ी के लिए यूज कर सकती है। वैसे बता दें कि RTM कार्ड एक ही है लेकिन चेन्नई सुपर किंग के पास कई बेहतरीन खिलाड़ी है, तो ऐसे में किस पर यूज करेगी, तो ऐसे में हम 4 नाम बताएंगे जिनमें से किसी पर यूज कर सकती है RTM कार्ड। पहला नाम है रचिन रविंद्रा। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन युवा खिलाड़ी है जो कि कमाल का फील्डर भी है, कमाल का बैट्समैन भी है और कमाल के बॉलर भी है। यह सभी काम कर सकते हैं चेन्नई की पिच पर, यह और भी कारगर होते हैं, इस वजह से रचिन रविंद्रा को बैक कर सकती है। और बेहद ही यंग है, ऐसे में आने वाले समय में सुपर स्टार बनेंगे, अपने परफॉर्मेंस के दम पर कई मुकाबले जिताएंगे, तो चेन्नई सुपर किंग चाहेगी कि रचिन रविंद्रा कई मुकाबले उनको भी जिताए, इस वजह से RTM कार्ड यूज कर सकती है रचिन रविंद्रा के लिए चेन्नई सुपर किंग। फिर अगले खिलाड़ी है डेवन कॉनवे, एक बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज चेन्नई सुपर किंग लिए जो कि कमाल का परफॉर्मेंस किए हैं, ऐसे में डेवन कॉनवे को भी बैक कर सकती है। फिर अगले खिलाड़ी है दीपक चाहर। इनके लिए दिक्कत यह है इनके फिटनेस, फिटनेस की वजह से बेहद ज्यादा प्रॉब्लम में रहे हमेशा से, और इस वजह से शायद अगर RTM कार्ड ना यूज करे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर फिट होते हैं तो फिर RTM कार्ड भी यूज कर सकती है, रिटेन भी हो सकते हैं दीपक चाहर, क्योंकि हम सभी जानते हैं दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। तो दोस्तों अगले खिलाड़ी की बात करें तो वह है समीर रिजवी, एक और युवा बेहतरीन इंडियन खिलाड़ी जो कि कमाल का परफॉर्मेंस किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में। एक वर्ष चेन्नई सुपर किंग के लिए खेले हैं, उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है लेकिन आगे आने वाले समय में अच्छा हो सकता है, और इसी वजह से समीर रिजवी को भी बैक कर सकती है चेन्नई सुपर किंग। तो यह कुछ बेहतरीन खिलाड़ी है जिसके लेकर RTM कार्ड यूज कर सकती है चेन्नई सुपर किंग। आपका क्या राय है इन खिलाड़ियों को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।